सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन टेलरिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 4 पैनल पेटीकोट स्टिचिंग, 4 कली पेटीकोट स्टिचिंग। तो इसकी जो कटिंग है, मैंने आपको बहुत जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी जो सिखाया था, जो मैंने पिछले वीडियो में काट चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये स्टिचिंग समझ में आएगा। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी उसको लगा दूंगा एंड स्क्रीन। तो सबसे पहले जो है हम इसमें इस तरीके से जो कली हैं उनको जोड़ेंगे। तो मैंने जो तरीका बताया था आपको कटिंग में भी, कि एक जो है सीधी जोड़ते हैं और एक टेढ़ी जोड़ेंगे। इस तरीके से आपको जो है दोनों को ये जोड़ देना है। दोस्तों इधर जो है मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कैसे एक सीधी है और एक टेढ़ी है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं, ये जो है टेढ़ी है और जो एक दूसरा है वो हमने सीधा जोड़ा है। इसी तरीके से ये अब जो है फिर से जो अब ये जो टेढ़ी है तो इस पर जो है सीधी जोड़ेंगी। अब ये जो टेढ़ी है तो इस पे हम सीधा जोड़ेंगे। इसी तरीके से आपको ये चारों हैं जोड़ लेने हैं। इस तरीके से फिर जो एंड का जो है आपका बचता है कली, उस पर आपको इस तरीके से थोड़ा मोड़कर इस तरीके से मोड़कर आपको सिलाई फेर देना है। लगभग आपको जो ऊपर से 3 इंच मोड़ना है और सिलाई लगा देना है।
अब जो है इसको हम बंद कर देंगे। तो अब जो है इसमें हम नेपा लगाएंगे। नेपा है जो हम उल्टी तरफ से जोड़ेंगे, फिर इस तरीके से सीधे की तरफ जोड़ेंगे। तो एक जो तरफ का जो कपड़ा है वो उल्टे की तरफ जोड़ेंगे, और जो फिर जो नीचे का बचता है उसको हम सीधे की तरफ जोड़ देंगे मोड़ कर। और इस तरीके से आपको ये नाप लेना है नेफे को, और इस तरीके से आपको आगे की तरफ से मोड़ लें। अब नेपे को जो है इस तरीके से मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से मोड़ कर सीधे की तरफ, अब सीधे की तरफ आपको ये मोड़ कर सिलाई लगाना है। अब जो है इसको नीचे की तरफ से जो है कपड़े को काटेंगे, एक सा करेंगे।
तो इस तरीके से जो है आप जो लंबाई ले सकते हैं, फिर इधर से आप जो है कवर कर सकते हैं लंबाई को, आपको कितना चाहिए और जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले लें, और फिर कपड़े को काट लें। तो इस तरीके से लंबाई जो है जिसका सिल रहे हैं उनकी लंबाई 36 है, तो लगभग आपको उससे 1.5 इंच बढ़कर जो है काटना है, जिससे कि आप जो है मोड़ेंगे तो कवर हो जाएगा। इस तरीके से जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर आपकी लंबाई 35 है तो आप हैं 37, 37 लेकर जो लंबाई, फिर उसको काटें। अब जो है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप जो है इस पर इस तरीके का डिज़ाइन डाल सकते हैं, ये जो है हम निशान लगाकर बता रहे हैं, इस तरीके से आप इस पर सिलाई फेरें तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब जो है पेटीकोट का जो है नारा बना रहे हैं, तो इस तरीके का आपको जो है कपड़ा ले लेना है और डबल कर लें और इस तरीके से मोड़ लें। तो ये जो नारा बनकर तैयार हो गया है, तो आप इसको जो है पेटीकोट में डाल लें। तो
दोस्तों ये जो पेटीकोट बनकर तैयार हो गया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।